गुड इवनिंग एंड वेलकम अगेन टू माय लाइव शो विच इज लेट्स टॉक लाइव. टुडे आई एम गोना टू कनेक्ट मिस्टर बशीर अंजुम. मिस्टर बशीर अंजुम इज द प्रेसिडेंट ऑफ टीचर्स एसोसिएशन, सीजनल टीचर्स एसोसिएशन. उनके बहुत सारे इश्यूज हैं, उस पर हम बात करेंगे और वो थोड़ी देर तक अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं. तो आप देखते रहें, मैं देखता हूँ मैं उनकी रिक्वेस्ट आ जाए तो. बशीर साहब, इफ़ यू आर वॉचिंग मी, काइंडली राइट समथिंग ऑन माई वॉल. आप कुछ लिखें मेरे वॉल पे ताकि मैं आपको कनेक्ट कर सकूँ. तो ये हैं प्रेसिडेंट टीचर्स एसोसिएशन, जो सीजनल टीचर्स लगते हैं उनकी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं. और ये ज़्यादातर ये सीजनल टीचर्स जो होते हैं ये नोमैड्स के लिए ही ज़्यादातर आए थे. तो गवर्नमेंट ने इनको लगाया था. तो अभी इनका कुछ बहुत सारे मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, उस पे हम बात करने जा रहे हैं. तो बशीर अंजुम जी शायद आने वाले हैं. यस चौधरी बशीर अंजुम. अभी हम शुक्रिया सर, शुक्रिया. शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया हमें अपने इस चैनल में, आपने इस जो आपका टॉक शो होता है इसमें आपने हमें, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया. देखिए सर, 2006 में गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की. स्कीम लॉन्च हुई है सर एसएसए ने नामेड्स लोगों को पढ़ाने के लिए. तो ये सीजनल टीचर था. तो इससे पहले तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आपको पता है कि मोबाइल स्कूल हुआ करते थे. तो मोबाइल स्कूल बंद करके तो सीजनल टीचर लगाए गए सर. तो सीजनल टीचरों को लगाया गया सर 6 माह के लिए सर. 6 माह के लगाए के लिए लगाया जाता है सिर्फ, और 4,000 रुपया पर मंथ इनको दिया जाता है. और जो टीचर होते हैं वो मतलब मेरिट बेस पे सिलेक्शन होती है उनकी, तो हर साल री एडवर्टाइजमेंट होती है और नए चेहरे आ जाते हैं सामने को. ये हुकूमत का सबसे जी मेरिट बेस पे लगाया गया है इन लोगों को. और बदकिस्मती ये है कि आज तक 2006 से आज तक इनका मतलब कोई भी हुकूमत ने कुछ नहीं सोचा इनके लिए. तो सबसे बड़ी मतलब ये बात है सर. और एसएसए ने हजारों हाँ स्कूल खोले यहाँ पे, रमसा ने स्कूल खोले, एसएसए ने स्कूल खोले, लेकिन मोबाइल स्कूल बंद करके एक मतलब लॉलीपॉप वाला सिस्टम दे दिया या नामेड्स लोगों को खासकर. और एजुकेशन में मतलब आप अंदाजा करो सर, हम 21वीं सेंचुरी में इस वक्त हम चल रहे हैं और हमें मतलब टेंट 2 में रह के आज भी वो तालीम बच्चों को दी जाती है और टेंट भी नहीं मिलते हैं सर, खुले आसमान के तले मतलब ये जो है वो तालीम देते हैं बच्चों को सर. जानते होंगे कि कितना आपको फेस करना पड़ता होगा, कितनी मुश्किलें आती होंगी, क्योंकि ये पहाड़ों की चोटियों पे आप पढ़ाते हैं बच्चों को. क्योंकि ये जो नोमैड्स है सीजनली आते हैं और वो कहाँ कहाँ रखते हैं, वहाँ वहाँ पे आपने पढ़ाना होता है. जी जी सर, ये आपको पता है जम्मू मतलब 22 डिस्ट्रिक्ट जब थे ये जम्मू कश्मीर के, तो 22 में 2 को छोड़ के मतलब 20 में ये हर जगह ही है.
डोडा देख लो, किश्तवाड़ देख लो, राजौरी, पुंछ, रियासी, सांबा, कठुआ, मतलब हर जगह ही थे, उधमपुर। तो जब ये ऊपर पहाड़ों पे जाते हैं तो 6 माह के लिए इनको वहां पे तैनात किया जाता है। उसके बाद बच्चे उन स्कूलों में एनरोल होते हैं, जब वापस आए तो बच्चों को उन स्कूलों में ले लिया जाता है, लेकिन टीचर को यूज एंड थ्रो पॉलिसी के अंदर रखा गया है सर। तो टीचर इसमें हाईली क्वालिफाइड हैं, एमए बीएड हैं, अच्छे पढ़े लिखे टीचर हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो नामर्ड्स होने के नाम सुना है। अगर कोई और होते तो क्या पता सरकार ने इनके लिए रातों रात पॉलिसियां बना ली होती, लेकिन गुजर होने के नाते इनको जनाब तक उस पॉलिसी के अंदर रखा गया है। आपको पता है कि तीसरे सबसे बड़ा तबका जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल का है सर। तो फिर भी इनके लिए कोई भी एजुकेशन की जनावली आज भी कोई उस हिसाब से इनको नहीं है एजुकेशन का जनावली। अगर ये सीजनल टीचरों में हमारे पढ़ाए हुए बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आज कॉलेज गए, कॉलेजों तक पहुंचे, लेकिन हमारे जो हम टीचर सीजनल हैं, हमारे खुद के बच्चे जो हैं वो आज हमसे डिमांड करते हैं 65 रुपया पर डे एक टीचर लेता है सर। आप अंदाजा करो कि 6 माह के लिए उनको 4000 रुपया मिलता है और उसके बाद 65 रुपया पर डे पे वो 12 महीने अपने कैसे निकालता होगा। और इस महंगाई के दौर में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि हमसे मुखलस और कौन होगा, लेकिन फिर भी हम वो अपनी आन बान शान बनाए रखते हैं, अपना मतलब कुछ भी करके अपना रोजगार के लिए हमने कभी सड़कों पे जाम नहीं किया, हमने अपना काम जो है वो शुरू रखा। कोविड में सर मैं आपको बता दूं, असगर सिस्टम फैक्ट्री आपको पता है, उन्होंने जनावली बड़े अच्छे तरीके से सीजनल टीचरों की सराहना की, अपने हम लोगों के ट्यूटर हैंडल की शान बने। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे साथ वही सौतेली माँ का सलूक किया गया जम्मू कश्मीर के अंदर, हमारे खुद के बच्चे अनपढ़ रह गए। हमने लोगों के बच्चों को तो पढ़ाया, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो आपको पता है सर आज 65 रुपए पर डे ले जा रहा होगा। तो पीछे आप कहीं चाय पीने जाते हैं, मैं कहता हूँ कहीं चाय पीने जाते हैं तो 150-200 रुपए तो वहाँ पे खर्च हो जाता है। तो ये आप अंदाजा करें कि हमने वॉलंटियर आपने आपको पेश किया, हमने करें कि अगर ये मसला हमारा हमारे बच्चे पढ़ जाएं तो हमें बस हमसे हम यही सोच रहे थे कि अल्लाह हमें देने वाला है, लेकिन हुकूमत ने आज तक हमें देखा तक नहीं सर। सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि हमें जनावली बिल्कुल भी यूज एंड थ्रो पॉलिसी के अंदर रखा गया, कोई पॉलिसियां नहीं बनी। इधर रैपरे खेल की बात आई, रातों रात पॉलिसियां बन जाती हैं जी, आपने 7 साल रहना है, एनवाईसी की पॉलिसियां बनेगी, दूसरे जो 61,000 जो मुलाजमीन है उनके लिए कुछ ना कुछ तो है सर, लेकिन जो सीजनल टीचर मुखलस एक ऐसा है ये किसी भी पॉलिसी के अंदर नहीं है, कुछ नहीं है, ये वाहिद एक तबका है सर। तो इनके साथ बहुत ही मतलब नस्ली इम्तियाज किया गया है और जम्मू कश्मीर में खास करके इनको कुछ भी नहीं मिला आज तक। ये तो मैं कहता हूँ कि ये मैं कल भी आपके साथ ऐसे टेलीफोनिकली बात कर रहा था कि डिफेक्ट्स इन आर एजुकेशन सिस्टम, और ये डिफेक्ट्स एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, डिफेक्ट्स हैं हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है वहाँ पे, बिल्कुल उनके दिमाग में डिफेक्ट्स हैं, उन्होंने ऐसी पॉलिसियां फ्रेम करी हुई हैं जिसमें कि पढ़ा लिखा यूथ दरबदर हो जाता है। दरबदर सर बिल्कुल। हाँ, हाँ, में आपको ट्रेडिशनल एजुकेशन लेके आप अगर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हो उसके बाद आपको एक ही ऑप्शन है टीचर बनने का, या उसके अलावा किसी काम का नहीं होता है वो जी। तो, आपने जो जनरल एजुकेशन जो हम लेते हैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी भी कर लेते हैं, अगर उसको किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में ले लेंगे तो वो किसी काम का नहीं है वहाँ पे, वहाँ पे काम का नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हमने सर आपके इसमें कितने टीचर्स हैं, कितने सतारह 1800 टीचर हैं सर जम्मू कश्मीर के अंदर, ये नामेड्स को बढ़ाने के लिए लगाए गए हैं खाली। तो जब ऊपर जाते हैं पहाड़ों पे तो उस वक्त सर हमें 6 माह के लिए काम मिलता है और 6 माह के बाद आराम, उसके बाद कुछ नहीं। तो आप अंदाजा करो कि क्या गुजरती होगी उन टीचरों के दिलों पे जब वो डिसंगेज किए जाते हैं और उसके बाद एक 6 माह के लिए एक मतलब टीचर को कोई सोसाइटी में बोलेंगे यार ये उस्ताद है ये टीचर है, उसके दादाओं के
हमारी एलजी साहब से भी मुलाकात हुई थी श्रीनगर में, पॉलिसी फ्रेम करेंगे जिसमें मतलब 6 माह अगर बच्चे उन स्कूलों में एडजस्ट होते हैं तो आपको भी उन स्कूलों में एडजस्ट किया जाएगा 6 माह के लिए। तो हमने कहा था यही, सैलरी का कोई इशू नहीं है, सैलरी आप बिलाशक हमें वही दे दो, लेकिन एक पॉलिसी फ्रेम कर दो कि कितने टाइम में ये होना है। नहीं, 4,000 में कैसे गुजारा करेंगे, ये बात तो ये सर ये एक सोचने वाली बात, 4,000 में पता है कि 4,000 रुपए होता ही क्या है आज, लेकिन हम पेंशन रखने वाले लोग हैं। हमने आज तक सर गुजर कौम का एक वायदी, एक मतलब ये एक ऐसा तबका है ये आपने कभी रोडों पे नहीं देखा होगा रोजगार के लिए। हम बेड़े पालते हैं, बकरियां पालते हैं, लेकिन हमारे मतलब आप अंदाज एहतजाज नहीं किया, हमारी ऊन जो है वो कैसे बिकती है हमने कभी एहतजाज नहीं किया, लेकिन जब हमारी एजुकेशन सिस्टम ही इस हिसाब से रहा आज की इस डेट में भी, तो उधर से हमें तो बड़े बड़े दावे करती है। तो मैं एलजी साहब से आपके इस चैनल के माध्यम से एलजी साहब से भी गुजारिश करूंगा कि सर हमारे लिए पॉलिसी फ्रेम की जाए, कोई यूज एंड थ्रू पॉलिसी के अंदर कब तक रखा जाएगा हमें, क्योंकि यहाँ पे पहले तो सरकारें थी तो उस वक्त बोलते थे उन सरकारों के लगाए हुए हैं, आज तो कोई सरकार नहीं है, आज तो एलजी साहब से ही हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ही ये मतलब गुजारिश करेंगे कि हमारा जो मसला है इसको जनाब अली प्रायोरिटी बेस पे लिया जाए, और सीजनल टीचरों का मसला जो है ये एक पूरे कौम का मसला है, ये एक बशीर अंजुम का मसला नहीं है सर, तो ये पूरा कौम का मसला है सर, इस मसले पे कम से कम हुकूमत को सोचना चाहिए, तो कोई पॉलिसी फ्रेम करनी चाहिए। बिल्कुल सर, आप तो ये कह रहे हैं कि 4,000 में भी गुजारा हो जाएगा कहीं, अगर जो जनरलाइज टीचर जो नॉर्मल टीचर है वो तो 90,000 रुपए तनख्वाह लेता है, और अगर आपसे भी कोई काम लिया जाएगा तो काम तो सेम लिया जाता है सर, इसमें तो कोई नहीं, रिजल्ट हम लोग बनाते हैं, 6 माह पढ़ाई के तो वही 6 माह होते हैं सर, आप अंदाजा करो मई जून जुलाई वही सेशन होता है सर, मई टू अक्टूबर तो उस वक्त तो बच्चे हमारे पास होते हैं, रिजल्ट वगैरह हम बनाते हैं, बच्चों को हम पढ़ाते हैं, लेकिन सैलरी हमारी जो है वो मतलब किसी को बताने के लायक नहीं है कि हमारी सैलरी क्या है, हम कर क्या रहे हैं, और 2006 से कोई पॉलिसी है सर आज तक, आप अंदाजा करो कि जी ये पॉलिसी फ्रेम करने वालों की ना अहली है, मैं उन एडमिनिस्ट्रेटर्स को ना अहली समझता हूँ कि जिन्होंने इस टाइप की पॉलिसी फ्रेम करी है कि एक पीएचडी को 4,000 में वो लगाते हैं, एक पोस्ट ग्रेजुएट को 4,000 रुपए में लगाते हैं, और वो भी सीजनल 6 महीने ही काम करना है, उसके बाद आपको बता दूं कि जब हमारे लड़के मतलब 12th में अच्छे मार्क्स लेते हैं तो वो सोचते हैं मैं सीजनल टीचर लग जाऊंगा, तो वहां से भी एक फैक्ट है कि पढ़ाई रुक जाती है बच्चों की, और एक एफिडेविट फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से लिया जाता है कि इस 6 माह कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं करूंगा, कहीं रेगुलर पढ़ाई नहीं करूंगा, कोई कुछ नहीं करूंगा, एक एफिडेविट लिया जाता है सर कोर्ट से लिख के कि इसमें इस 6 माह में मैं कोई भी काम नहीं करूं। जी जी जो रेस्ट ऑफ द 6 मंथ्स जो रहते हैं उसमें भी आपको एक एफिडेविट देना पड़ता है, पहले वाले जो 6 माह है ना जिनके लिए मतलब लगाया जाता है, तो अब आप अंदाजा करो कि जो 12th बेस पे लग गया तो वो पढ़ेगा कब, मतलब उसकी पढ़ाई रुकी किसकी वजह से, हुकूमत की वजह से रुक रही है ना, और जब एडवर्टाइजमेंट निकलती है बाजाफ्ता तो रिक्रूटमेंट कौन करता है, मतलब डिपार्टमेंट कर रहा है ना सर, वो कोई खुद ही तो नहीं ना अपनी अपने हिसाब से जा रहा है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट निकली बाजाफ्ता मेरिट बना उसका, मेरिट के हिसाब से वो सिलेक्ट हुआ है, तो फिर 6 माह के बाद उसको निकाल दिया जाएगा अगर, तो वो किस खुदाई जाएगा कहाँ जाएगा, मतलब ये भी एक फैक्ट है, और जब 12th में अच्छे परसेंटेज लेके जो बंदा आएगा वो आगे कॉलेज जाता,
आगे पढ़ता, कुछ और करता, उसको भी इस धंधे में लाया जी, उसको इस धंधे में फंसा के, तो उसकी पढ़ाई भी रुक रही है कहीं ना कहीं। ये मतलब एक एजुकेशनली बैकवर्ड रखने का एक ये भी एक फैक्ट है सर इसमें। जी जी, सबसे बड़ा ब्लंडर था जी, और जिसने वो पॉलिसी डिजाइन करी थी वो सबसे बड़ा, बहुत बड़ा ब्लंडर था जी एंड के में। उसको अगर जैसे ये पॉलिसी फ्रेम करने वाले इनको अगर इनको रखना चाहिए एक महीने और उन्हें 4,000 में गुजारा करके दिखाओ अपनी फैमिली चला के, या 3,000 रुपये में, 1,500 रुपये में लेते थे रेबर तालीम वाले, 1500 रुपए में स्टार्टिंग में। मगर सर उनका फिर एक सिस्टम था कि फ्यूचर में उनको पता था 3 साल रहना है, 5 साल रहना है, उसके बाद होना है। हम तो 2006 से ये रोना रो रहे हैं सर, 2006 से आज तक कुछ नहीं किया हुकूमत ने हमारा, ये तो बड़ा जुल्म है सर। इतना लंबा प्रोबेशन तो मैंने किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में नहीं देखा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इतना लंबा प्रोबेशन, इसको प्रोबेशन ही कहेंगे कि इतना लंबा प्रोबेशन, सर आवाज असल बात में आपको बोलो ना सर जी, नहीं सर हुकूमत को तो ऑलरेडी पता है कि ये लोग हमने लगाए हुए हैं हर साल, मतलब पांडस तो है बट पता है कोई भेड़ बकरियों की तरह चला रहे हैं ना जी। चलो सर उससे आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब हम एलजी साहब से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि जम्मू कश्मीर में इनका ही सुनहरी दौर अगर आया तो सीजनल टीचरों के लिए कुछ बेहतर हो जाए, तो हम तो इनसे ही गुजारिश करेंगे ना। आप पहले क्या हुआ सर, मेरा सजेशन ये है कि मैं तो चाहता हूँ कि एलजी साहब आपको जनरल लाइन टीचर ले ले सीधा। क्यों, आपने तो इतना स्ट्रगल करा यार, 2006 से आप लगे हुए हो, आपका तो हक बनता है कि आप जनरल लाइन टीचर में आ जाओ, आप क्यों सीजनल के लिए स्ट्रगल कर रहे हो जी, आपको तो जनरल लाइन टीचर के लिए स्ट्रगल करना है सर। देखो ये तो आपका बहुत सारे आपके कुछ जो 2006 में लगे थे कुछ एवरेज हो गए होंगे, एवरेज हो चुके हैं सर, और क्या, ये तो है। काफी ऐसे सीजनल टीचर हैं जो एवरेज हो चुके हैं, अब कुछ भी नहीं वो कर पाते हैं बेचारे, वो ही वॉलंटियर जाते हैं बच्चों को पढ़ाते, और 6 माह जब हम वापस आते हैं सर तो वो बच्चे हमारे पास होते हैं, वो उन स्कूलों में काम ही जाते हैं क्योंकि उनको पता ही है ये ढेरों के साथ हम ही होते हैं, तो हमें कहाँ छोड़ते हैं 6 माह, वो तो वो सूखे हमें वो सर्दियों में भी गर्मियों में भी वो हमारे साथ ही होते हैं और हमें वो पढ़ाने। और सबसे बात ये लड़कियां आज कॉलेज पहुंचे, मतलब कॉलेजों से फारग हो गए सर, तो बदकिस्मती ये है कि हुकूमत ने हमारी तरफ नहीं देखा। सर वो 4,000 मिलता कब है, वो पहले साल 2 साल के बाद तो मिलता ही है कहीं, वो 4,000 रखा है भाई ने ऑर्डर पे लिखा है 4,000 रुपया, लेकिन वो 4,000 भी मिलता नहीं है, एक हुआ ना काम खत्म हुआ तो पैसे मिल गए, नहीं उसके लिए हजारों हाँ फॉर्मेलिटियां हैं, फिर वो डिपार्टमेंटों के चक्कर काटने हैं, फिर उसके बाद वो चीजें फोटोग्राफ लाओ वेरिफिकेशन लाओ, जनाब टीचर जाएगा वेरिफिकेशन करेगा बाज़ाब्ता तौर पे वो चीजें करके, तो उसके बाद कहीं वो विड्रॉल होता है 4,000 रुपया। बिल्कुल है, ये तो आप सभी के साथ हैं, हमारी दुआएं भी साथ हैं, और हम भी रिक्वेस्ट करते हैं ऑनरेबल एलजी साहब से कि आपके लिए कोई अच्छी पॉलिसी डिजाइन करें।
घर बार चला सके। हर एक का यही होता है कि अपने घर बार को चला सके और अपना रोजगार चला सके। ना तो आपकी कोई स्टार्टअप करने के लायक रहे हैं इस वक्त। इस वक्त आप बिजनेस खोलेंगे तो उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है सर। बिजनेस सर 6 माह अगर एक बंदा दुकान ही खोलेगा, 6 माह जब वो ड्यूटी जाएगा, 6 माह के बाद दुकान खोलेगा तो कौन आएगा उसके पास? जाहिर सी बात ही है। और कुछ भी नहीं कर पाते हैं सर, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। सीजनल टीचर बेचारे बिल्कुल ही वो मतलब बेबस और बेसहारा हो चुके हैं हुकूमत की इस पॉलिसी की वजह से। टीचर्स जो हैं वो इसमें शामिल हैं। इस ये अंजुम साहब जो हैं ये प्रेसाइड करते हैं, प्रेसिडेंट हैं इनके। इन्होंने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है और इन्होंने एलजी साहब से भी मुलाकात करी हुई है और कुछ प्रॉमिसेस भी हुए हैं इनके साथ कि आने वाले टाइम में भी प्रॉमिसेस फुलफिल हो जाएं। सिरनगर में एक मीटिंग हुई थी हमारी, एमपी रमेश बदूड़ी साहब हैं हमारे दिल्ली के गुजर एमपी हैं, तो उनसे बात हुई थी सर। तो उन्होंने भी हमें यकीन दहानी करवाई थी कि मैं एलजी साहब से मिलके तो आपका मसला जो है ये एलजी साहब से मिलके आपका मसला ठीक करवा दूंगा जी। तो मैं यही गुजारिश करूंगा सर एलजी साहब से कि वो मसला हमारा जो है ये विद इन डेज हल हो जाए तो बेहतर होगा। जितना जल्दी हल हो सके, क्योंकि अगर इसमें भी कोई वो मान लो लिंगरान करेंगे 4000 बेचारा 4000 के लिए अगर उसके लिए भी स्ट्रगल करना पड़े, जम्मू श्रीनगर के चक्कर करने पड़े, फिर कर्जा करके आना पड़ेगा ना जी। स्कूल वगैरह ओपन करते हैं लिहाजा हमें स्कूलों में एडजस्ट किया जाए। 6 माह तो 6 माह ऊपर जाएंगे हम अपने अधवारी जहाँ हम जाते हैं डॉकू पे, तो 6 माह उन स्कूलों में एडजस्ट किया जाए हमें, तो पोस्ट बाजाबा ग्रेड की जाए हमारी उन स्कूलों में। क्योंकि ऑलरेडी जब हमारे पास बच्चे हमारे हैं, टीचर हमारे पढ़ा रहे हैं, तो क्यों हमें मतलब अपना हक ना मिले? ये दुख की बात है सर। कुछ सारे चीजों के साथ जुड़े हुए हैं जो सीजनल टीचर्स हैं, जो नोमैड्स को पढ़ाते हैं, जो बेचारे बकरवाल कम्युनिटी जो मान लो सर्दियों में जम्मू में होते हैं और गर्मियों में श्रीनगर में होते हैं, उनको ये मान लो पढ़ाई का मिशन चला रहे हैं। तो इसके लिए तो मैं कहता हूँ कि एलजी साहब को जितना जल्द हो सके उतना जल्द इनका मसला हल करना चाहिए और कुछ अच्छे तरीके से, जैसे प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने, प्रीवियस जितनी भी हुकूमतें रही हैं उन्होंने सभी ने आप लोगों के साथ बड़ा इनजस्टिस करा हुआ है। वो इनजस्टिस ना हो आगे, वो आगे अच्छी पॉलिसी फ्रेम हो। देखो सर, जैसे आरईटीज की जैसे सर पॉलिसी फ्रेम की गई थी तो वो गलत हिसाब से की गई थी, उसके बाद सत्यपाल मलिक जी ने आकर उनको एक मतलब अच्छी दिशा में लाया, तो आज उनका नाम तो सारे लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। 60,000 अगर आरईटीज है जम्मू कश्मीर में तो वो सारे उनका नाम अच्छे लफ्जों से लेते हैं सत्यपाल मलिक जी का। तो हम चाहते हैं कि गवर्नर हमारे मनोज सिन्हा जी हमारे लिए भी कोई अच्छी पॉलिसी मरतब करें ताकि हमारे आने वाले जो मतलब टाइम है इसमें ज्यादा हमें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो हम भी इंशाल्लाह अच्छे, यही होता है सर जब चला जाता है इंसान तो उसके बाद ही मतलब अच्छा या बुरे का पता चलता है। तो हम भी यही चाहते हैं कि एलजी साहब हमारे लिए कोई अच्छा काम कर जाए। कम से कम आज तक अगर 2006 से किसी ने आज तक नहीं देखा तो ये अगर देखते हैं हमें तो जनाब अली हम तो इनके आभारी रहेंगे बहुत बहुत। आप तो नेक काम कर रहे हो, आप तो चलो आप तो अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप तो पूरी कौम के लिए कर रहे हो। अच्छा दूसरा, आप प्रेसिडेंट भी हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के? जी 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 जी। नहीं, एक तो आगे ना टीचर्स एसोसिएशन, एक और एसोसिएशन है आपकी, सीजनल टीचर एसोसिएशन है हमारी। हाँ, एक तो सीजनल टीचर्स एसोसिएशन, दूसरा
भूजल तुमने टीम में भी आप प्रेसिडेंट है ना। खैर कम्युनिटी को तो हम लीड करते रहते हैं सर, वो आप भी वक्तन फवक्तन जानते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो हमारा सर वो किसी ने कहा था ना, हो गया जो आरास्ता जेवरे तालीम से, हर कोई झुकता है उसके सामने तालीम से। तो हमें तो सर बड़ी मुश्किल, हमने जब बड़ी संघर्ष देखा है जिंदगी में, बड़ी मुश्किलें देखी हैं सर हमने। हम मतलब उस जगह से हैं जहाँ जनाब अली आज भी आप अंदाजा कीजिए सर, जहाँ से मतलब रोड खत्म होगी उधर से पीछे आप देखना गुजरों की बस्ती होगी, जहाँ से जनाब अली बिजली का खम्मा खत्म होगा उधर से पीछे आप देखना गुजर या बकरवाल रहते होंगे, मतलब नामेड्स लोग रहते होंगे। तो ये तो आपको पता ही है जम्मू कश्मीर का, मतलब ये कोई फिगर आपके सामने नई नहीं है, लेकिन नया ये था कि सीजनल टीचरों के साथ जो इनजस्टिस हुआ वो भी आपने देखा। वो तो मैं तो सुन के बड़ा हैरान हो गया हूँ, और बहुत ही मान लो ये परेशानी का भी सबब है कि देखो सर इसमें हम तो जहनी तवाजुन के शिकार हो गए हैं सर। सीजनल टीचर जहनी मरीज बन चुके हैं। आप अंदाजा करो सरकार डिप्रेशन और क्या सर, आप अंदाजा करो सर सरकार ने ईजीएस सेंटर खोले, ईजीएस सेंटर में टीचरों को परमानेंट कर दिया, वो मैट्रिक पास लगे थे उस वक्त, तो उनको जनाब अली बाजाबता पॉलिसी फ्रेम हुई, वो लोग आज 50-60 हजार रुपया सैलरी ले रहे हैं, उसमें एसटी के नामेड्स के नहीं थे, इसलिए पॉलिसी फ्रेम हुई। तो क्या हमारे लिए पॉलिसी फ्रेम नहीं कर सकती है गवर्नमेंट? थर्ड लार्जेस्ट मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा आता है जम्मू कश्मीर में, तो क्या हमारे लिए हुकूमत नहीं कर सकती है? आपको पता है हम देशभक्त लोग हैं, हम वो लोग नहीं है जनाब अली। अगर एक साइड हमारी सेना लड़ती है तो दूसरी साइड गुजर सोटी लेके खड़ा होता है, अगर हम लोग नहीं होंगे तो हमारी सरहदों की हिफाजत भी नहीं हो पाएगी, ये हम लोग कर रहे हैं सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इस काबिल समझा, आपने इस पेज पे लाया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और लास्ट में मेरी ये गुजारिश रहेगी एलजी साहब से कि हमारा मसला जो है इसको प्रायोरिटी बेस पे हल किया जाए सर। शुक्रिया लास्ट आज का लाइव सेशन जो लेट्स टॉक शो है हम खत्म करते हैं, तो इंशाल्लाह दोबारा हम कभी किसी और टॉपिक पे हम बात करेंगे। बशीर भाई आपके साथ भी हम डिस्कशन करेंगे, किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के अल्लाह हाफिज़।